हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो दिस इज देखो अपना देश का एपिसोड नंबर 2। और राइट नाउ आई एम इन हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। और मेरे पीछे जो आप वंदे भारत देख रहे हो, ये कोई आम वंदे भारत नहीं है, ये बहुत खास वंदे भारत है। बिकॉज आज हम ट्रैवल करने वाले इन इंडिया, यस भारत का सबसे फास्टेस्ट वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि अगर आप देखोगे 160 किलोमीटर पर आवर पे चलती है। और ये एक लौता वंदे भारत है जो 160 पे चलते आए। तो आज हम ट्रैवल करने वाले फ्रॉम हजरत निजामुद्दीन टू रानी कमलावती। अपनी जर्नी होने वाली है फ्रॉम न्यू दिल्ली, या फिर कह लो दिल्ली से भोपाल तक। लास्ट ब्लॉग में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैं गुवाहाटी से यहाँ पे दिल्ली संपर्क क्रांति में आया था, पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति। आई होप आप लोगों ने वो वाला ब्लॉग देखा होगा। तो ये अपना सेकेंड ब्लॉग होने वाला है, देखो अपना देश। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को अमेजिंग अमेजिंग ब्लॉग्स आप लोगों के सामने लाने वाला। सो दिस वन इज़ एक्सक्लूसिव गाइस, बिकॉज दिस इज़ इंडियाज़ फास्टेस्ट वंदे भारत। फुल जर्नी करेंगे, क्या कुछ है, कैसा एक्सपीरियंस होने वाला, सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, मुझे सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ब्लॉग को देखते रहो। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है इंडिया के फास्टेस्ट वंदे भारत में। तो अभी ये रिसेंटली आई हुई है भोपाल से, अभी 2:40 को यहाँ से जाने वाली है। वैसे अभी न्यू दिल्ली का मौसम भी काफ़ी अमेजिंग है भाई साहब, ठंड तो है यहाँ पे, दिन में भी ठंड है, आसाम में तो फिलहाल ज़्यादा ठंड नहीं है बट इधर ठंड है भाई साहब। और मध्य प्रदेश में भी आई गेस ठंड मिलने वाला है। फिर अभी ट्रेन अगर आप देखोगे जस्ट आया ही हुआ है, तो ये भोपाल से सुबह 5:45 को चलता है और यहाँ पे हजरत निजामुद्दीन पे 1:10 को पहुँच जाता है, तो 1:10 को पहुँचता है और यहाँ से 2:40 को निकलने वाला है। और रात के 10:30 या 10:45 के आसपास हम यहाँ पे पहुँच जाने वाले भोपाल। सो लुक एंड इंटीरियर, इंटीरियर तो खैर नहीं, एक्सटीरियर में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो देयर इज़ नो मच डिफरेंस। अभी तक जितने भी वंदे भारत मैंने किए ऑलमोस्ट सेम ही है, अगर आप देखो वे दिस वन इज सेम ओनली। सो मेड इन इंडिया वंदे भारत इन चेन्नई ICF। तो अभी तक अगर आप देखोगे कुछ इस तरीके का लुक है। हाँ, अभी सिर्फ अगर आप देखोगे ऑरेंज वंदे भारत केरला में इनोग्रेट हुआ है, तो अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डोर्स हैज़ बिन नॉट ओपन, तो एक बार डोर्स ऑन हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं इंटीरियर आप लोगों को दिखाता हूँ। बाकी एक्सटीरियर पे इज ऑलमोस्ट लाइटेड ओनली। हाँ, 16 कोचेस का वंदे भारत है ये। तो गाइस डोर्स हैज़ बीन ओपन, चलो आप लोगों को मैं इंटीरियर दिखाते जाता हूँ। इस चेयर कर एज यू कैन सी, ये 16 कोचेज वाली वंदे भारत रहते, तो इसमें 72 सीट्स है यहाँ पे। सो लुक आर ओनली सेम ओनली जैसे वंदे भारत के होते। दिस वन इज गाइस एग्जीक्यूटिव कोच एज यू कैन सी डेट। सो जस्ट कम इन साइड दी ट्रेन, तो ट्रेन के अंदर आ चुका हूँ गाइस। टॉकिंग अबाउट दी इंटीरियर, इंटीरियर इज ऑलमोस्ट सेम लाइक डेट जैसे मैंने प्रीवियसली वंदे भारत में आपको वो दिखाया हुआ है। ऑफकोर्स आई एम ट्रैवलिंग इन चेयर कार, नॉट इन एग्जीक्यूटिव। फिलहाल एग्जीक्यूटिव में नहीं ट्रैवल करने वाला हूँ, तो ये ऑब्वियसली। सो इसलिए यू कैन सी दिस वन इज ट्रे टेबल, इधर मैगजीन होल्डर वगैरह दिया हुआ है, फुट रेस्ट एंड चार्जिंग सॉकेट नीचे की ओर दिया हुआ है, एंड ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके का है। एंड ये जो है टिल्टेड ग्लास पुश पुल के साथ यहाँ पे आपको मिल जा रहा है, तो ओवरऑल ठीक ठाक इंटीरियर। इस वन एज यू कैन सी गाइस लोकोमोटिव, भाई अंदर नहीं जा सकते। बाकी ओवरऑल इधर कुछ इस तरीके का है, मिनी फ्रिज बना हुआ है, CCTV कैमरा इज हियर। एंड दिस वन इज द वॉशरूम गाइस, देख लो कुछ इस तरीके का है। ये अपना कोच का सिर्फ एक ही वॉशरूम है, तो अच्छे डिम लाइट्स वगैरह लगे, कुछ अलग नहीं है, ठीक ठाक ही है जैसे यूजली वंदे भारत में आपको देखने को मिलता है। इसका टैप वाटर काफ़ी अमेजिंग है, यहाँ पे पुश करो इधर से टेप वाटर आ जा रहा है, तो ओवरऑल ठीक ठाक ही है। सो यहाँ से भोपाल का डिस्टेंस है गाइस 701 किलोमीटर, नंबर इज 20172, और हम 2:40 यहाँ से निकलेंगे हजरत निजामुद्दीन से एंड भोपाल पहुँचेंगे 10:16, यानी कि अगर आप देखोगे लगभग 7.5 घंटे के आसपास यहाँ पे लगने वाला है। सो इसकी जो 160 स्पीड है गाइस, ये है बिटवीन हजरत निजामुद्दीन टू आगरा कैंट। 41 गाइस वी आर डिपार्टिंग फ्रॉम हजरत निजामुद्दीन। We'll be right back.
अभी स्नैक्स आ चुका है, मैं आप लोगों को दिखा दूँ यहाँ पे क्या कुछ है। सो दिस वन इज़ अवर स्नैक्स एज यूजल, जैसे वंदे भारत में आपको देखने को मिलते हैं वही है, वही सेम एप्पल जूस जो अगर आप देखोगे यूजली मिलते हैं जीरो एडेड शुगर के साथ। देन आपको यहाँ पे दिया गया है आई गेस दिस वन कचौड़ी, दिस वन पीनट चिक्की हो गया, दिस वन चाय उसका मसाला चाय, ऑब्वियसली वाटर बॉटल इज देयर। सो स्नैक्स आइटम में ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है नहीं, जो है वो जो टेस्ट करने के लिए दिस वन द कचौड़ी, इसको टेस्ट करके देखते हैं। कचौड़ी तो लग नहीं रहा है, पता नहीं क्या है, बट ठीक ठाक है क्योंकि अंदर मसाला कुछ है ही नहीं, तो पता नहीं क्या है बट ठीक ठाक है टेस्ट में अगर मैं बात करूँ तो। देयर इज़ नथिंग इन साइड एज यू कैन सी दैट, बिल्कुल सॉफ्ट सा कुछ अलग ही लग रहा है। ऑब्वियसली चाय का ऑब्वियसली काफ़ी अमेजिंग होता है। सो वी आर स्कीपिंग मथुरा जंक्शन, धीरे धीरे कृष्ण जन्मभूमि मथुरा को हम स्कीप कर रहे हैं। सो ये ऑब्वियसली एक बार तो लाइफ में मथुरा वृंदावन आना है, वैसे ऑलरेडी मैं आ चुका हूँ 2007 में व्हेन आई वाज इन दिल्ली, मतलब जब मैं आया था तब मैं आया हुआ था, बट ऑब्वियसली फिर एक बार आना ही है कृष्ण जन्मभूमि में। नाउ आगरा कैंट, सो फार वी हैव कंप्लीटेड 187 किलोमीटर यहाँ से ग्वालियर, देन उसके बाद अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से वीरांगना लक्ष्मीबाई, देन फाइनली हम पहुँचेंगे रानी कमलापति। ऑब्वियसली यहाँ तक 160 किलोमीटर का मैक्सिमम परमिशन स्पीड था, इसके बाद ये ट्रेन 130 पे चलने वाली है, तो हजरत निजामुद्दीन से यहाँ तक 160 तक चली। जस्ट 3 मिनट्स का होल्ड था, हम निकल चुके हैं आगरा से, इसके बाद एज आई टोल्ड यू ग्वालियर जो कि आने वाला है लगभग शाम के 6-5 को आई थिंक, यहाँ से नॉन स्टॉप 109 किलोमीटर का जर्नी होने वाला है। वैसे आपको बता दूँ इंडिया का फास्टेस्ट ट्रेन भी हजरत निजामुद्दीन से वीरांगना लक्ष्मीबाई तक चलता है, कौन सा वाला है वो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आगरा यू नो द फेमस ताजमहल, इधर भी आना है कभी, लेट्स सी कब कभी। सो ये भाई साहब यहीं पे अगर देखोगे तो मैक्सिमम 4 मिनट का होल्ट है, उसके बाद तो और भी स्टेशन्स पे 2-2 मिनट के होल्ट है, इसलिए थोड़ा सा बाहर निकलने का मौका मिला। टिकट प्राइसिंग के बारे में मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेरे को पड़ा है 1565 रुपीज़ फ्रॉम हजरत निजामुद्दीन टू रानी कमलापति भाई से 700 किलोमीटर के लिए। सीरीज में बस ये एक लोता वंदे भारत में है, आने वाले टाइम में भी आपको और वंदे भारत के ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, तो उसके लिए स्टे ट्यून रहना। So far 6:55 in the evening guys, we have reached now Veerangana Lakshmibai,
झांसी जंक्शन। तो हम पहुंच चुके ऑलमोस्ट 405 किलोमीटर्स कंप्लीटेड। यहाँ से अगर आप देखोगे रानी कमलापति है मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 298 किलोमीटर। तो अभी बहुत टाइम बाकी, लगभग 10 बजे हम पहुंचने वाले हैं। सो गाइस द फाइनल थिंग हैज अराइव्ड, दैट इज आवर डिनर। तो आपको दिखाता हूँ मैं क्या कुछ है डिनर में। वैसे काफ़ी टाइम बाद वंदे भारत की डिनर मैं ले रहा हूँ। सो एज यू कैन सी दिस इज आवर डिनर। चिकन इज देयर, दाल, राइस, रोटी, पराठा इज देयर एंड दही। वो जो टिपिकल आपको शताब्दी या वंदे भारत में देखने को मिलते हैं यूजली वही सेम ही है, तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। सो डिनर इज बीन डन गाइस, हो गया डिनर। डिनर के अगर मैं बात करूँ यस, सब कुछ अच्छा था, ठीक ठाक था। बट जो मैंने क्वांटी इंजली वाले वंदे भारत में डिनर किया था ना, उसको ये वेट नहीं कर पाया। और लोग वंदे भारत के खाने बहुत अच्छे होते तो उसके भी काफ़ी अच्छे। तो फिर इसके बाद तो आप अगर मेरे को फिलहाल टाइम टू 7:15 तक इवनिंग हो चुका है, मतलब नाइट ले लें, लगभग 2 घंटे बाद अभी 2.5 घंटा बाकी है रानी कमलापति पहुँचने के लिए। तो हम डायरेक्टली वहीं पर मिलेंगे। टेन इन द नाइट गाइस, वी हैव रीच्ड अवर डेस्टिनेशन, दैट इज रानी कमलापति जंक्शन विच इज ऑल्सो नोन एज हबीबगंज स्टेशन। तो हम पहुँच चुके और अगर आप देखोगे तो वन मोर वंदे भारत इज ऑन द लिस्ट। तो आई होप आप लोगों ने ब्लॉग एंजॉय किया होगा। ज़्यादा कुछ नहीं बना पाया बिकॉज नाइट की जर्नी थी ज़्यादातर, इसलिए। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन एज ऑलवेज स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।